हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स की। और ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमने बात कर रहे थे हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की, हम यहाँ पर बात कर रहे थे। और जो हमने दो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने पहले देख लिए थे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमने पहले देख लिए थे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव से कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। मींस एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, अगर मैनेजमेंट उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर देता है, उनकी नीड्स को पूरा कर देता है, तो ये माना जाता है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो गए, फुलफिल हो गए। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज के सेटिस्फेक्शन को सबसे ऊपर माना गया है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि अगर मैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूँ, जो कि मशीन्स वगैरह होती है, तो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ऑपरेट कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्सेज ही करते हैं। तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। हम उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकते, उन पर बर्डन नहीं डाल सकते, हमें उन्हें एक ओपन एनवायरनमेंट देना होगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव में किसके ऊपर फोकस करके चलना है? ह्यूमन रिसोर्सेज के सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करते हुए चलना है। ये वाली बात आई या नहीं आई आपको समझ में? ठीक है, किसके ऊपर फोकस करना है हमें? ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स जितने भी ह्यूमंस वर्क कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, हमें उसके सेटिस्फेक्शन पर यहाँ पे फोकस करते हुए चलना है कि हमें उन लोगों को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्सेज के टाइप्स की बात करूँ तो वो तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपके एंटरप्रेन्योर्स, सेकेंड है आपके मैनेजर्स, और थर्ड है आपके अदर एम्प्लॉयज़। तो इन तीनों की जो भी एस्पिरेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, हमें उनको फुलफिल करते हुए चलना है, तभी पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हमें अचीव होंगे। और आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जितने भी चार ऑब्जेक्टिव हैं वो तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक के बाद एक हमें क्या होगा, अचीव होगा, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर हम हमारे एम्प्लॉयज़ को खुश रखेंगे, अगर हम उन्हें एक अच्छा और हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे, तो वो बहुत अच्छा वर्क करेंगे, ठीक है साहब जी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो यहाँ पर देखो यही बात है, चाहे एक लोअर सेक्शन में काम करने वाला वर्कर हो, चाहे एक अपर सेक्शन में काम करने वाला वर्कर हो, हमें सभी वर्कर्स को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा, तभी वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे। और जो जो हमें वर्क सिस्टम है, जो भी हमें वर्क सिस्टम है, वो एक पॉजिटिव रूप में क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ताकि वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाए। देखिए, अगर किसी भी तरह का बर्डन नहीं होता और हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते हैं, तो काम सारे बहुत अच्छे से होते हुए चले जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अभी बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, तो वो क्यों बोला जाता है ये कि आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें? ताकि अगर आप मॉर्निंग में ये सब करते हुए चलते हैं ना, तो क्या है, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट होती है। तो वो यही वाली बात है कि यहाँ पर सब कुछ किसकी बात हो रही है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बात हो रही है। और एक एम्प्लॉय कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने, तो एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमें अचीव हो जाए। यहाँ पर ये मेन बात, अगर हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, तो ये वाली बात है कि हमें यहाँ पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ेगा। ये वाला टॉपिक आपके इससे ही रिलेटेड है। और अगर हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हम उनके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट
देंगे उन्हें, बनाएंगे उनके लिए हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएंगे, तो वो फुल पोटेंशियल से क्या करेंगे, वर्क करेंगे, पूरी उनकी जी जान लगा देंगे, पूरी पूरी उनकी कैपेसिटी से वर्क करेंगे। और एक कंपनी को क्या चाहिए, यही तो चाहिए होता है कि वो पूरी क्या लगा दें, जी जान लगा दें, फुल पोटेंशियल से वर्क करें। तो अगर हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर दिए तो ये जो भी कंपनी के गोल्स हैं वो हमें क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। जी तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या है, देखिए बात ये होती है कि हमें जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें सोसाइटी से ही मिलते हैं। तो अगर हम सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो हम अगर सोसाइटी से ले रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ के अलावा अगर हम कुछ भी सोसाइटी से ले रहे हैं, तो हमें उन्हें एक बेहतर चीज़ बनाकर देनी होगी, एक गुड प्रोडक्ट और सर्विस हमें उनको क्या करनी होगी, प्रोवाइड करनी होगी। क्योंकि हम सब कुछ सोसाइटी से लेते हैं तो यहाँ पर हमें उन्हें वो का वो ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही वाली बात है कि यहाँ पर वो हमें देंगे, कौन, सोसाइटी हमें देगी रिसोर्सेस और उसके बिहाफ पे हम उनका यूज़ करेंगे प्रॉपर मैनर में, और फिर हम वो जो रिसोर्सेस से कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगे, एक बेहतर चीज़ बनाएंगे, एक बेहतर प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो हमें, वो हम वापस से उनको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, सोसाइटी को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर ये सोशल ऑब्जेक्टिव ही मेन होता है, क्योंकि जो हमने तीनों ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं वो हमें किसकी तरफ लेके जाते हैं, वो हमें लेके जाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब यहाँ पर एक मेन बात ये है कि हर स्टेप जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ किसके लिए जाता है, वो सब कुछ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्योंकि एक कंपनी कब सक्सेसफुल होती है, जब मार्केट में कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट को क्या बताता है, बढ़िया बताता है, बेहतर बताता है कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर यह है कि सोसाइटी से हमने जितने भी रिसोर्सेस लिए हैं वो वाले रिसोर्सेस का हम एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर तौर पर हम क्या करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, उनका यूटिलाइज करेंगे, और सोसाइटी के हर सेक्शन को हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जो कंपनी सोसाइटी के हर सेक्शन को, चाहे वो रिच सेक्शन हो गया, चाहे वो मिडिल क्लास हो गया, चाहे वो पुअर सेक्शन हो गया, हर सेक्शन को सेटिस्फाई करते हुए चलती है, वो कंपनी सारे गोल्स अपने अचीव कर पाती है, और वो कंपनी बहुत आगे जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि वो सोसाइटी के हर सेक्शन की नीड को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। तो यहाँ पर यही वाली बात है कि हमें सोसाइटी के हर सेक्शन की नीड को क्या करना है, फुलफिल करना है। जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं उनका हमें प्रॉपर मैनर में यूज़ करते हुए सोसाइटी को गुड प्रोडक्ट और सर्विस क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। ये बात है यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव की। तो जो भी हमने वो तीन ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं वो हम किसके लिए करते हैं, हमारी कंपनी में कुछ भी हो रहा हो लेकिन बात ये है कि हम हमारे प्रोडक्ट को एक बेहतर तौर पर हमारे कंज्यूमर्स को देना चाहते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब हम क्या हो गए, पास हो गए। तो यही वाली यहाँ पर बात होती है सोशल ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर यही बात है कि जो सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सोसाइटी के हर सेक्शन से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अगर हमने उनकी नीड को सेटिस्फाई कर लिया, इसका मतलब हमने जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो क्या कर लिए, हमने अचीव कर लिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव, ये चारों हमारे ऑब्जेक्टिव थे, ये कंप्लीट हो गए। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन बन के आता है, आपके 6 मार्क में भी ये आपके आ सकता है। तो ये वाली वीडियो और जो लास्ट वाली वीडियो है उसे आपको बहुत ध्यान से सुननी है, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाली जो वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों,
ये जो भी आपके ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से सुननी है और इसे समझना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप बिजनेस भी करेंगे इन फ्यूचर तो ये वाली चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वाली वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और समझ में आए तो क्या लिखना है आपको बताइए। यस सर, यस सर, ओके, थैंक यू।